हेलो रिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? होप यू सब खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप लोग की दुआओं से, आप लोग के प्यार से, आप लोग की मोहब्बत से। अच्छा जी, मुझे ना बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बताएं ना कि आपकी बेटी को क्या हुआ था। तो मैंने कहा था मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। हो सकता है मैं जो बताऊँ उससे कुछ लोगों का भला भी हो जाए, ठीक है ना, और कुछ जो नहीं समझते इस चीज़ को उनको समझ में आ जाए। क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझती थी, लेकिन जब अपने पर पड़ती है ना तो फिर इंसान को समझ में आता है कि हाँ नहीं भाई, ये सही नहीं है, या सोच समझ के इंसान को काम लेना चाहिए। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। और अगर मुझे समझाने में कुछ भी अगर ऐसा, क्योंकि मुझे ये बताने में ना, मैं आप समझ ही सकते हैं कि मैंने कितनी हिम्मत अपने अंदर पैदा की कि आपको मैं ये बताऊँ सब कुछ, वो मैं दोबारा से दोहराऊँ, तो ये बहुत तकलीफ दे था मेरे लिए। लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे आप ही बताएं, और काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, मैं आपको ना साथ साथ अपनी बेटी की तस्वीरें भी दिखाती रहूँगी, ठीक है, और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो ना, मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बता दूँगी, और बाकी उसकी सारी चीज़ें, जो एक एक चीज़ उसकी उस टाइम जो उसने पहना था, और जो उसने पहनना था बाद में आके, और उसकी सब चीज़ें, एक एक चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में इसका पार्ट टू बना दूँगी, तो उसमें दिखाऊँगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि सन 2015 में आपने देखा था, सन 2015 में सबसे पहला हीट स्ट्रोक पड़ा था। सन 2015 में आपको याद होगा, सबसे पहला हीट स्ट्रोक पड़ा था 2015 में, रमज़ान शरीफ से 2 दिन पहले की बात है ये। उसमें जब मेरे स्कूल की बनी थी छुट्टियाँ, तो मैं अपनी बेटी को ले गई थी घुमाने, ठीक है ना। माशाल्लाह से उस वक्त वो थी 9 साल की वो थी, और कितनी बड़ी थी ये मैं आपको दिखा देती हूँ, उस टाइम वो कितनी बड़ी थी, ठीक है जी। तो मैं उसको ले गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मेरी छुट्टियाँ पड़ी थी, उसके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी थी, तो मैं उसको घुमाने ले गई थी। और उससे पूरा एक हफ़्ते पहले 28 मई 2015 को ना, मैं हॉक्स पे लेके गई थी, अपने स्कूल की तरफ से हॉक्स पे गई थी, तो उसको लेके गई थी मैं। यकीन माने वहाँ उसको कुछ भी नहीं हुआ था, इतना पानी गहरा था ना वहाँ पे, किरण सब मुझे बोले थे कि किरण इसको पकड़ो ना, मतलब वो बहुत पानी की दीवानी थी, वो इतनी पानी की दीवानी थी ना कि गली मोहल्ले में से जाके पानी पीती थी, लोगों से मांगती थी, और ना वो वहाँ इतना उसको बहुत शौक था। हालांकि मैं कभी उसको कराची में सीवी तक लेके नहीं गई, एक दफ़ा मेरी अम्मी के साथ ज़रूर गई थी वो, मैं कभी उसको सीवी तक लेके नहीं गई थी, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। हाँ, जब मैं स्विमिंग सिखाती थी ना बच्चों को, तो मैं उसको ज़रूर स्विमिंग पूल में कभी कभी ले जाती थी। तो हॉक्स में ले गई थी, हॉक्स में कुछ भी नहीं हुआ था उसको, क्योंकि उसकी ज़िंदगी थी, मतलब हॉक्स में कुछ नहीं हुआ, और इतना सब मैं इतना डर रही थी कि जरा आगे मत जाओ, वो बिल्कुल नहीं सुन रही थी। तो वहाँ से हम लोग आ गए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ हॉक्स में की तस्वीरें भी ना अपनी, जब हम लोग हॉक्स में गए थे, वहाँ उसको कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने ये देखें, ये मेरे स्कूल की तस्वीर थी, ये हम लोग हॉक्स में जा रहे थे, ये देखें हम हॉक्स पे जा रहे थे, ये जब की तस्वीर है उसकी। फिर मैं यहाँ से गई, हम लोग यहाँ से चले गए, अच्छा जब हम जा रहे थे ना, मैं ट्रेन में, मेरी आने जाने दोनों की बुकिंग थी, मैं 9 को यहाँ से निकली थी, और 17 को मेरी बुकिंग थी वापसी की, ठीक है। मुझे जाना था मरी, मैंने कहा मरी घुमा के ले आऊँगी इनको, ज़रा इनको बड़ा शौक है बराबर बारी देखने का, तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पर मैं इनको घुमा के ले आऊँगी। तो मैं नौ से और 17 तक मेरी रिटर्न टिकट थी गाड़ी की, तो हम यहाँ से चले गए थे। तो जाते जाते ना मुझे काम था इस्लामाबाद में, तो मैंने इनको छोड़ा, अम्मी ने कुछ सामान दिया था मेरी कि बेटा ये ना बड़ी बहन होती है मेरी गाँव में, फैसलाबाद की तरफ आई गाँव है, वहाँ पर ना सैयद वाला कोई है, वहाँ पर मेरी बहन रहती हैं, तो उनको ये सामान दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सामान भी उनको दे दिया अपनी बहन को, और ज़ेरा भी वहीं रुक गई, और मैं एक दिन के लिए इस्लामाबाद आ गई, मुझे इस्लामाबाद में काम था स्टेडियम में, तो मैं स्टेडियम आई, वहाँ से मैंने अपना काम निपटाया, अगले दिन मैं दोबारा गाँव चली गई। अगले दिन मैं पहुँची हूँ रात में गाँव में ना, तो मेरा प्रोग्राम था हम सुबह 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे मरी के लिए, तो मेरी बहन बोलने की नहीं रुक जा, आप ही मेरे ना, मेरा एक भांजा जिसकी भी डेथ हो गई थी, समद नाम था उसका, वो 10 साल का था, वो आंटी नहीं आंटी आप जो है ना रुक जाएं थोड़ी देर, रुक जाएं, वो मेरा भांजा ये था, ये वाला, ये दोनों आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी इन दोनों की। तो आंटी चले, अच्छा मैं अभी सो के भी नहीं उठी हूँ, अगले दिन 6 बजे ये लोग ना एक रक्षा ले आए दोनों, ये ज़ेरा जो है ना उसके मदरसे में पढ़ रहे थे, ये ना मदरसे में पहुँच गई, वहाँ से ना आ गए ये दोनों बहन भाई, और एक गली में एक रक्षा वाला था उसको पकड़ के ले आए। अब रक्षा वाला 2 घंटे खड़ा रहा है, आप यकीन मानेंगे कोई इधर खड़ा रहता है,
मेरे ख्याल से ना रक्षे वाले के अंदर ही मलकन मौत थी। वो खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा, यहाँ क्लियर कर दूँगी, रक्षे वाले की भी डेथ हो गई थी, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। खड़ा रहा खड़ा रहा, मैंने उसको बुलाने कहा, भाई ये तो बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं आप जाएँ। नहीं नहीं वो आप ही बच्चे जिद कर रहे हैं, आप ले जाएँ ना इनको। तो बच्चे जिद कर रहे थे वहाँ दरिया में जाने की, वहाँ पर दरिया रात भी था कोई, मुझे नहीं पता दरिया का हिसाब क्या होता है, मुझे सिर्फ यहाँ का अपने जो हमारे कराची में जो होते हैं समंदर, मुझे इसका हिसाब किताब ये लगता है कि आगे जाते हैं तो गहरा आता है। मैंने कभी दरिया आज तक देखा नहीं, मुझे पता नहीं दरिया का हिसाब किताब क्या होता है। इतने लोग थे वहाँ पे, किसी ने हमें बताया भी नहीं। हम गांव से जा रहे थे तभी किसी ने बोला कि वहाँ मत जाओ, वहाँ हादसे होते हैं, हमें किसी ने भी नहीं बताया। पूरी फैमिली भर के गई रक्षे में, मैं मेरी बहन उसके बच्चे चार, उसकी जेठानी की बेटी और हम काफ़ी लोग चले गए। अच्छा जब हम जा रहे थे, मैं आपको उस रक्षे की तस्वीर दिखा देती हूँ। अच्छा पहले तो ट्रेन की तस्वीर देखें, ये जोहर ट्रेन है, ये जहरा ट्रेन है बैठी हुई, ये ट्रेन की तस्वीर चिप्स खा रही है, ठीक है। और जब हम जा रहे थे रक्षे में, ये उस रक्षे की तस्वीर है, ये उस रक्षे की तस्वीर है, ये जहरा। और जब मैंने उसको उस जिस दिन जा रहे थे उस दिन तैयार किया था मैंने जहरा जोहा को, ये उसकी तस्वीर है, ये कपड़े पहनी हुई थी, ये वाले कपड़े पहनी हुई थी, इसका इन कपड़ों में हादसा हुआ था, इन कपड़ों में। हम लोग चले गए वहाँ पर उस रक्षे में। हर चल हम नक्शे में जा रहे थे ना, बारिश हो रही थी, मैंने मेरा दिल ऐसा हो रहा था, दिल अजीब सा हो रहा था, तो मैंने कहा चले छोड़ देते हैं, हम लोग शहर में घूम लेते हैं। बच्चे नहीं आंटी सब जा रहे हैं वहाँ पे, कश्तियाँ भी चलती हैं। मैंने कहा चलो सही है, चले गए हम लोग। हम लोग गए रक्षे वाले ने वहाँ रक्षा लगा दिया, बहुत सारे लोग थे, तरबूज बिक रहे हैं, बहुत सारे लोग थे ना, काफ़ी सारे। अच्छा कोई नहा नहीं रहा था, ठीक है ना, कोई, और ना वो पानी देखने में बहुत गंदा लग रहा था ना, बहुत गंदा। मैंने कहा दरिया का पानी कभी देखा नहीं था, बहुत गंदा लग रहा था। अच्छा काफ़ी देर तक ना बच्चे वहाँ नहा रहे थे, हमारे बच्चे वहाँ नहा रहे थे, बहुत आधा पौना घंटा हो गया, इतना टाइम नहा रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। रक्षे वाला भी वहाँ बैठा हुआ है, रक्षे वाले ने भी नहीं बताया कि आप ही हादसे होते हैं। इतने लोग थे वहाँ पर, इतना रश था ना, क्योंकि कश्तियाँ चलती हैं वहाँ पर, तो किसी ने भी नहीं बोला कि आप निकलें कि ना यहाँ पर, या क्या कर रही हैं कि यहाँ पर नहाते थोड़ी हैं, ये नहाने की जगह नहीं है, किसी ने भी हमें बताया ही नहीं वहाँ पर ना। नहाते रहे ये वो जो हमारे साथ गई थी ना बच्ची, मेरी बहन की जिठानी की बेटी, उसका स्कार्फ गिर गया था, बच्चे नीचे लोट लोट के उसका स्कार्फ ढूंढ रहे थे, और पानी इतना था घुटने से भी नीचे पानी था, बच्चे सही डूब भी नहीं रहे थे, मतलब बच्चे नहा भी नहीं रहे थे लेट के ना, तो फिर इस तरह पानी था। मुझे आइडिया था, मैं कहीं तो इस तरह से बारिश का रुका हुआ पानी नहीं होता, इस तरह था। रक्षा वाला कह रहा बाजी वहाँ पे ना एक भैंस भी मरी हुई थी, तो कह रहा बाजी यहाँ भैंस भी मरी हुई है, और खड्डे वड्डे से हैं, और ना पत्थर पत्थर आगे ना बिल्कुल प्लेन जगह है, आप वहाँ चलें, बच्चे आराम से नहा लेंगे फिर निकल आएगा। मैंने कहा ठीक है। हम लोग आगे जाते रहे ना, जब हम लोग जा रहे थे जैसे ना वो आगे चल रहा था बंदा, और ना मैं और मेरी बेटी, मेरा बड़ा भांजा 15 साल का था, वो एक छोटा भांजा मेरा 10 साल का था, वो मैं मेरी बेटी, और मेरी बेटी माशाल्लाह 10 साल की थी, 9 साल की थी। हम जाते रहे एकदम से ना वो लड़का जो है ना वो आगे गया ना, वो गिर गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, वो गिर कैसे गया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। एकदम ना मेरे ना हवास ही काम करना बंद कर गए थे ना, कि क्या हुआ क्या है, मतलब वो गिर गया, उसके पीछे मैं गिर गई, मेरे पीछे ना सारे बच्चे गिर गए, मतलब तीनों के तीनों, मतलब मेरी बेटी, मेरा बड़ा भांजा, छोटा भांजा, हम तीनों गिर गए। मतलब पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो खाई टाइप एकदम आ गया ना, और जैसे ना दरिया का मैंने उस वक्त हिसाब किताब लगाया, दरिया अंदर से चलता है, ऊपर से नहीं चलता, अंदर से चलता है, वो अंदर से इतनी स्पीड में चल रहा था, और एकदम से वहाँ पे ना पता नहीं क्या आलम हो गया, बिल्कुल काला बादल हो गया, और ना एकदम चीखों पुकारी हो गई। वहाँ वो लड़का चिल्ला रहा जो रक्षा ड्राइवर था, वहाँ मेरा बड़ा भांजा चिल्ला रहा, वहाँ मेरी बेटी चिल्ला रही। मैं अपनी गई अपनी बेटी को पकड़ के ना अपने पास ले आई। मैं इसको पकड़ के अपने हाथ से ना मैंने अपने पास में मैंने कहा जरा चुप हो जाओ, चिल्लाओ नहीं, डरो नहीं बेटा। वो इतनी घबरा रही थी ना, वो बहुत छोटी बच्ची थी, वो इतनी घबरा रही थी। अच्छा छोटा भांजा ना मेरा गिर कर ना अंदर नज़र नहीं आया था, वो मुझे कहीं, मैं इसको देख रही थी, मुझे कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा था, वो कहाँ गया। वो बड़ा भांजा मुझे पता, वो चिल्ला रहा था। मैंने अपनी अपनी बेटी को पकड़ के ले आई, मेरी बेटी बहुत घबरा रही थी ना, उसने मुझे इस तरह से ना जैसे हाथ डालते ना गर्दन पे, उसने मुझे ऐसे करके पकड़ लिया, मम्मा मम्मा। जैसे उसने मुझे पकड़ा ना, मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स हो जाओ, वो जैसे उसने मुझे पकड़ा ना, हम दोनों पानी के अंदर। क्योंकि आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ,
पानी में ना वजन नहीं डालते, वजन डालेंगे पानी अंदर की तरफ खींचेगा आपको। वो बच्ची थी उसको पता ही नहीं था, तो जैसे उसने मुझे पकड़ा ना, हम दो पानी के अंदर थे। अगर मुझे पता होता ना बिल्कुल, मैं कभी भी अपने बच्चों को वहां लेके नहीं जाती। शायद इसमें आप मेरी गलती कह लें कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सब कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से था, आपको वहाँ उस बच्चों की मौत खींच के लेके गई थी। वरना 5 लोग डूबे थे जिसमें से 3 लोगों की डेथ हो गई और 2 लोग बचे थे। हम दोनों पानी के अंदर चले गए। अब मैं तो बड़ी थी, ठीक है ना, अब जिसने उसने एक सांस भी ली होगी अंदर, तो वो पानी के अंदर मेरा उससे हाथ छूट गया। और मुझे भी समझ ही कुछ नहीं आया। मैं भी बिल्कुल ना जैसे अपने होशो आवाज़ मतलब खो नहीं बैठता है, इतना सब कुछ सामने आपके चल रहा हो, कोई वहाँ चीख रहा हो, कोई वहाँ चीख रहा हो, और एकदम आप अपनी मौत को इतनी करीब से देख लें, तो ना मुझे भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं भी ना वहाँ पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर के बाद ना, बहुत टाइम के बाद समझ में, मैं बेहोशी हो गई थी अंदर ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर के बाद ना लोग बताते, मुझे नहीं पता, एक वैन वाला जा रहा था, वैन वाला ना जैसे केरी डिब्बा होता है ना, वो जा रहा था। उसने ना मेरे भांजे को देखा, कुछ चीख रहा था, वो ना पानी में कूद गया। इतने जब ये सब चल रहा था ना, इतने टाइम में मेरी बहन बाहर मुस्तकिल चीख रही थी कि बचाएं बचाएं, लेकिन उनमें से ना इतने लोग थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं आया था। उनमें से कोई एक दो लोग भी आ जाते ना, चले उनको तैरना ना था, वो कश्ती लेके भी आ जाते ना, तो ये हादसा नहीं होता, मतलब बचा लिया जाता सबको। पर हाल वहाँ पर कोई भी नहीं आया। फिर एक वो बंदा कूदा, उसने मेरे भांजे को निकाल के साइड पे किया, तो मेरे भांजे ने कहा मेरी आंटी भी डूब रही है, उसने मुझे भी निकाल के साइड पे किया। वो फरिश्ता था, कोई फरिश्ते के रूप में कोई आया होगा। फिर मेरे भांजे ने कहा कि ना मेरे 2 बहन भाई और हैं, तो वो दोबारा अंदर गया बंदा ना, उसने आगे पीछे सब देखा। लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी ने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी ना, वो सिर्फ टाइट्स पहना हुआ था उसने। जो मेरा भांजा था उसने भी शर्ट नहीं पहनी हुई थी। जब कपड़े बच्चा बंदा पहना हुआ हो ना, फिर अगर डूबे तो कपड़े फूल जाते हैं, वो ऊपर आ जाता है बंदा। और दरिया का हिसाब किताब ये कि दरिया ना मुर्दा मुर्दा को भी फेंकता नहीं है बाहर। समंदर जो है ना, वो मुर्दा इंसान को बाहर फेंक देता है, मतलब बेजान चीज़ को बाहर फेंक देता है, दरिया नहीं फेंकता। काफ़ी जब निकाल लिया उसको, नहीं मिले बच्चे ना, फिर काफ़ी देर के बाद ना मुझे होश आया। जैसे 2-2.5 घंटे बाद मुझे होश आया ना, तो मैंने सीधा मैंने कहा बच्चे का, मैंने सिर्फ अपनी बेटी का ही पूछा था खाली। मैंने कहा जहरा कहाँ है? मैंने सभी को, मैंने बड़े भांजे को देखा ना, मैंने कहा ये तो ठीक है, मतलब सब बच्चे ठीक ही होंगे फिर जब वो ठीक है। तो मैंने कहा जहरा नजर नहीं आ रही। सबसे मैंने पूछा, मैंने कहा जहरा कहाँ है? सब कह रहे हैं हाँ सही है उधर है। मुझे इतनी तसल्ली हुई, मैंने कहा अच्छा वहाँ पर है जहरा? कह रहे हाँ जहरा वहाँ पर है। मुझे इतनी तसल्ली हुई, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र मेरी बच्ची सही सलामत है। मैंने कहा मुझे लेके चलो। कह रहे हाँ अभी लेके जाएंगे। अच्छा ना 2-3 घंटे बाद ना मेरा मुंह बहुत सूज गया था, मेरी नाक में कान में हर जगह मट्टी मट्टी भरी थी। आपको पता है दरिया का पानी मट्टी का होता है। और मुझे ना बार बार मेरे पेट इतना मेरा पेट फूल गया था पानी से ना कि बस। लेकिन फिर ना जब बहुत देर हो गई ना, मैंने कहा मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा मेरी जहरा कहाँ है? तो ना उनमें से किसी एक ने बोला अभी ढूंढ रहे ना। जब उन्होंने बोला ना ढूंढ रहे, मैंने मेरा अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह पाक देख, मैंने कहा तुम्हारी अमानत थी तुम्हारी, मैंने कहा 70 पाँव से ज़्यादा प्यार करता है, मैंने कहा तुम्हारी अमानत थी, मुझे पता है मेरी बेटी को तकलीफ नहीं हुई होगी, लेकिन जैसे भी है मुझे मिलवा दो उससे। वहाँ पे बहुत रश हो गया, सब मतलब रेस्क्यू वाले भी आ गए थे, सब आ गए थे ना। तो सब फिर ना जब ढूंढने लग गए, काफ़ी देर हो गई ना, बहुत अजीब सी मेरी बेचैनी सी हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह पाक, लेकिन उस टाइम तक मेरे जहन में ये था, मैं कहा अल्लाह पाक मेरी बच्ची जहाँ भी हो ना उसको अपनी हिफाजत में रखना, क्योंकि वो खुदा के काम है, ये खुदा से बढ़ के तो कोई नहीं है ना, वो तो तिनके में जान डालने वाला है। मैंने कहा अल्लाह पाक, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही बेटी थी, मेरी इतनी बड़ी बेटी जब आपके साथ हंसती बोलती है, पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, तो इतनी बड़ी
तो मैंने कहा अल्लाह पाक आप उसको सही सलामत रखना। काफ़ी देर हो गई, लोग फिर लोग मुझे आके बोलने लगे आप हौसला रखें, और ना यहाँ पे तो ना लोग इतने टाइम से डूबे हुए उनकी लाशें भी नहीं मिलती, मतलब इस तरह के ना कि यहाँ मगरमच्छ खा जाते और मतलब तो इस तरह से लोग ना मुझे और डरा रहे। फिर मैंने वही ऐद किया, मैं कहला पाक जब तक तो मेरी बच्ची नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, भले मुझे एक महीना लग जाए या एक साल लग जाए या एक दिन लग जाए, मैं कहा मैं अपनी बच्ची के बगैर यहाँ से जाऊँगी नहीं। ढूंढते रहे 4-5 से 6 घंटे बाद ना उस रिक्शा ड्राइवर की लाश मिली, उसको लेकर आए। फिर ढूंढते रहे रात हो गई ना, ढूंढते हमारे बच्चे नहीं मिले थे। वो बारिश इतनी तेज़ हो गई उस वक्त, बारिश आपको पता है बारिश होती है ना तो दरिया जो है ना वो बहुत भर जाता है, सब कह रहे बारिश हो गई अब तो पता नहीं क्या होगा, और ये ना और मैं वहाँ से आई नहीं रही, सब कह रहे नहीं आप चलो सुबह ढूंढ लेंगे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आसपास ना हर जगह पे इतला कर दी थी ऐसे से 2 बच्चे डूबे ये कपड़े पहने में, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है दरियाओं में ना कि लाशें बहुत लोग डूबते हैं और ना ऐसे छोड़ देते हैं, लाशें कहीं से कहीं निकल जाती हैं क्योंकि दरिया भी बहुत बड़ा है, इंडिया को भी टच कर रहा होता है। तो सब जगह ना बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो बच्चे को रोक लें, अगर किसी को नजर आए ना वो बच्चे दो तो रोक लें, जाला वाला लगा दें। तो रात हो गई, रात मेरी अम्मी यहाँ से हम लोगों को फ़ोन किया, मेरी अम्मी समझ रही कि ऐसी कहीं खो गई होगी बच्ची, तो यहाँ अब जब मैंने कहा था अम्मी, मैंने अम्मी को बोला अम्मी नहीं ऐसे पानी में डूब गई है नहीं मिल रही, यहाँ पे ऐसा मातम सा छा के था मेरी पूरी फैमिली में, वो यहाँ पे टिकट नहीं मिल रही किसी को, और मैं वहाँ पे सिर्फ मैं मेरी बहन अकेले थे, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे थे। फिर मैंने अपने स्टेडियम में मतलब इस्लामाबाद से मैंने ना जो हमारे स्विमर लड़के थे ना उनको बुलवाया, वो लोग पहुँच गए थे, काफ़ी सारे लोग वो बहुत सारे स्विमर पहुँच गए थे, जितने भी वाडा के बेस्ट स्विमर थे ना सब आ गए थे, और जो उनके गांव के मछेरे थे वो भी ढूंढ रहे थे ना, काफ़ी रात हो गई बहुत ना, और आप में पूरी रात सिर्फ दुआएं मांग रही बगैर अल्लाह पाक मेरी बच्ची पता नहीं कैसे अकेली होगी, कैसे मेरे बच्चे होंगे उनको मिल पा दे, मैं कहा वो तो बहुत मासूम है उसको तो कुछ पता भी नहीं है। फिर अगले दिन भी ढूंढा, अगले दिन भी पूरा दिन ढूंढा, इतने लोग अम्मी लोग भी आ गए थे मेरे, हमने ऐलान भी कर दिया कि अगर कोई भी बच्चा ढूंढ के लाएगा ना तो हम उसको इतना इनाम देंगे, हम समझे शायद किसी ने उठा लिया हो, कोई दे रहा ना हो, किस अगवा ना कर लिया हो, हमने ऐलान भी करवा दिया, सारे न्यूज़ वाले भी आ गए थे वहाँ पे काफ़ी सारे। 2 दिन हो गए हमें ढूंढते, हमारे बच्चे नहीं मिले थे। दूसरे दिन जो है ना मैं फिर वो रेस्क्यू वाले के साथ ना कश्ती में बैठी गई, मैं बता रही यहाँ यहाँ डूबे थे यहाँ यहाँ ना, तो वो कह रहे नहीं बाजी यहाँ यहाँ तो आप सही कह रही हैं डूबे होंगे लेकिन पानी इतना तेज़ चल रहा है ना वो यहाँ से बहते बहते कहीं और चले गए होंगे, बहुत आगे तक भी हम ढूंढ कर आए थे, वो पानी ऐसा था कि ना कहीं पानी होता था वो कहीं बिल्कुल बिल्कुल प्लेन ज़मीन कि आप लोग पैदल चल लें, वो कहीं इतनी गहराई कि बंदा डूब जाए, इस तरह का वो पानी होता है दरिया का, मुझे इसका साफ पता नहीं था कि दरिया इस तरह का होता है। 2 दिन भी गुजर गए थे और 2 दिन लगातार ऐसी तूफानी बारिश हुई थी ना, वो 2 दिन मेरी ज़िंदगी के कयामत के थे ना, क्योंकि मैंने फिर तीसरे दिन ना मैं सुबह फजर की नमाज़ में मैं सजदे में गिर रही, मैं कह अल्लाह पाक अगर आज मेरी बेटी नहीं मिली ना तो मेरा यकीन उड़ जाएगा आपके ऊपर से, मैंने कहा बहुत छोटी बच्ची है मेरी, मैंने कहा आप तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मैंने कहा अगर जिंदा भी अगर वो नहीं है ना इस दुनिया में तो अमानत थी आपकी आपने ले ली, लेकिन मुझे मिलवा दो मेरी बच्ची जिस 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 हालत से ये मिलवा दो, मैंने कहा वो जिंदा अगर वो मुझे मिली नहीं ना तो मुझे ज़िंदगी भर सुकून नहीं आएगा कि पता नहीं किस हाल में है जिंदा भी है कि नहीं, मैंने कहा जैसे भी है मुझे मिलवा दो। उस जिस दिन वो डूबी थी ना उस दिन मेरी एक दोस्त होती है टीचर सऊदीया में होती है सो मेरा नाम है उसका, उसको पता चला ना उससे मुझे फ़ोन किया गिरी किरण, उससे मुझे फ़ोन किया गिरी किरण मैं तेरे लिए खाना काबा में आई हूँ, और मैं यहाँ दुआ मांगते मांगते ना मेरी आँख लग गई थी मुझे पता ही नहीं चला, कह रही है मेरे ख्वाब में तेरी बेटी को ना उसके खाना खाने के ऊपर जो होता है झूले में देखा तेरी बेटी को ना सफ़ेद कपड़ों में बहुत खुश है वो, तू रोना बंद कर दे इंशाल्लाह सब अच्छा होगा तेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन एक माँ को सुकून कैसे आएगा। तीसरे दिन जब ना मैं एक बच्ची है वहाँ पे ना एब नॉर्मल है वो बच्ची ना जैसे बच्ची एब नॉर्मल है वो
वो आई, मैंने उससे दुआ करवाई, मैंने कहा राबिया आप दुआ करो आज बच्चे मिल जाए, बहुत 3 दिन हो गए, मैंने कहा 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया पिया होगा उन लोगों ने, दोनों ने। तो वो कह रही कह रही बाजी आज मिल जाएंगे, वो ना दरिया में मेरे साथ दे, दरिया को इतना बुरा भला कह रही कह रही तूने ले लिया ना बच्चे, अब हमें दे दे बस वापिस बच्चे को, उस तरह रो रो के दुआएं मांग रही। बस हम लोग ढूंढने निकले थे, सुबह फजर का टाइम था, मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे पास, कह रहा है कहाँ पर है, मैंने कहा मैं दरिया पर हूँ, कह रहा है वो ज़ेरा मिल गई, मैंने कहा मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा ज़ेरा मिल गई, कह रही हाँ ज़ेरा मिल, मैंने कहा कैसी है, मैंने कहा सही है, तो कह रहा है तू आ जा, मैंने कहा मुझे पता सही है, वो कह रहा तू आ जा मैं बोल रहा हूँ ना, फिर मैंने दूसरा बताया, मैंने कहा वो समझ मिल गया, कह रहा नहीं समझ नहीं मिल रहा ज़ेरा मिल गया मुझे ना, फिर मेरे दिल को बेचैनी, मैं अल्लाह से मैं अल्लाह पाक अगर ज़ेरा मिल गया वो दूसरा मेरा भांजा नहीं मिला मेरी बहन तो पागल हो जाएगी रो रो के, फिर मैं अल्लाह पाक उस बच्चे को ही मिलवा दे। फिर 2-2.5 घंटे बाद जो है ना मेरे भाई का फ़ोन आया दोबारा कि उन्हें समझ नहीं मिल गया, और वह इतना दूर मिले थे सही, क्या मैं कराची में वो हैदराबाद इतनी दूर पहुँच गए थे, वो अंदर ही बहते बहते चलते चलते मेरा वो रास्ता नहीं कट रहा, मैंने कहा मैं जाके अपनी बच्ची देख लूँ, 3 दिन से मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा था, मेरे वो रास्ता ही नहीं मेरा कट ही नहीं रहा, मैंने कहा और मैं और उस वक्त भी हालांकि 3 दिन गुजर गए थे, बच्चे कितने नाजुक होता का पता है उनमें होता क्या है, लेकिन मैंने फिर भी मैं कल पाक मेरी बच्ची सही हो, मेरी बच्ची सही हो, मैं वो ना वो दुआ करते करते ये सफ़र काट रही थी। जब मैं पहुंची ना वहाँ पर चरपाई पे लेके आ रहे थे, उसे अपने हाथों में नील पॉलिश लगाई थी एक दिन पहले ना, वो बराबर में गांव में ना वो लड़की उसको बहुत प्यार करती थी, उसे नील पॉलिश लगा दी थी उसके ना, तो ना जब जब वो डूबी थी ना उसका हाथ ऐसे था, तो मैंने उसको यूँ पकड़ा हुआ था हाथ से ना, उसका हाथ ऐसे था, तो जब वो चरपाई पे लेकर आ रहे ना उसको, तो उसका हाथ ऐसे था, मैंने जाके ना मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा ज़ेरा उठो, मैं उसको हाथों को पकड़ ली, मैंने कहा ज़ेरा उठो, उसको ना पन्नी वन्नी लगी हुई थी इधर ना, थैलियाँ नहीं होती, जब मैंने सब साफ किया, मैंने उसके हाथ देखे, हाथ बिल्कुल सही थे, बिल्कुल साफ सफ़ेद रखे हुए थे हाथ, गोरी बहुत थी, बहुत सफ़ेद रखे हुए थे बाल, मैंने उसको कान बिल्कुल कान सही, 3 दिन बच्चा पानी में रहे कैसे रहता है ना, बस उसका मुंह काला हो गया था पूरा, पोनी भी जिस तरह मैंने उसकी पोनी बनाई थी ना उसी तरह पोनी बनी हुई थी उसके बालों की ना, बस हाथ उसका ऐसे ही था, मैं मुझे दिखाई नहीं रही, लोग मुझे कह रहे नहीं नहीं आप नहीं देखो, मैंने कहा फिर मैं उनसे मेरी लड़ाई होगी, मैंने कहा यहाँ रख दो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ रख दो मेरी बच्ची मैं खुद ले जाऊँगी, मैंने कहा यहाँ रखो मैं देखूँगी, फिर छोटी सी थी ना उसकी ज़बान थोड़ी सी बाहर आ गई थी, आँखें भी सूज गई थी उसकी ना, और नाक भी थोड़ा सूज गया था, वो उल्टी पानी में थी, बाकी पूरा जिस्म सही था, कुछ भी नहीं हुआ था, लोग कह रहे थे ना कि फट जाता है कुछ, बिल्कुल सब कुछ सही था, सिर्फ उसका चेहरा काला हो गया था, मैं उसको उठा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे का ज़ेरा उठो, मैं उसको कान में जाकर के बोल रही हूँ कि ज़ेरा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको यहाँ लेकर आई थी, मैं उसको कान में माफ़ी मांग रही थी, मैंने कहा मेरे बच्चा उठ जा, मैं तुझे यहाँ लेकर आई थी, मेरी गलती थी सारी, सही बात है मेरी गलती थी, उसको क्या पता था उस चीज़ का, अगर मैं नहीं लेके जाती तो ऐसा होता भी नहीं। फिर मेरा भांजा भी मिल गया था, उससे मैंने बहुत माफ़ी मांगी, फिर हम फिर एक महाराणा ही आया कि क्या करें, अगर मैं अपनी बेटी कराची लेकर आऊँगी तो फिर मेरा भांजा क्या करेगा अकेला, फिर ना मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यहाँ भी उसने दफनाना है वहाँ भी, फिर मैंने कहा नहीं अम्मी यहीं दोनों को दफना देते हैं, मैंने कहा वरना मैं हम तो ले जाएंगे ज़ेरा को, फिर ये क्या करेगी पीछे से मेरी बड़ी बहन, तो फिर वहीं पर ही हमने उसका नमाज जनाजा कराया, फिर वहीं उसको दफनाया। लेकिन जब फिर मैं वापस आ गई थी ना, मैं अपना कमरा जब आके देखा ना, मैंने सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी, उसका दूध का डिब्बा, उसका बैग, उसका यूनिफॉर्म, उसकी चप्पलें सब ऐसी पड़ी हुई थी, इतनी शॉपिंग करके गई थी मैं, उसके सारे मैंने तीसरे दिन ना उसके तीजे मैंने कपड़े सब बांटे वहाँ पे, जो बच्चियाँ थी उसकी उम्र की सारे जो जो कपड़े उसके फेवरेट थे ना, जो उसने लास्ट टाइम पहने हुए थे, वो सिर्फ मैंने रखे हुए थे अपने पास, और कुछ चीज़ें जो उसकी बहुत फेवरेट थी वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई, उसका यूनिफॉर्म, उसका स्कार्फ, सब चीज़ें, ये उसकी आखिरी दिन की तस्वीर है।
ये देखें, ये है वो दरिया, ये जगह थी वो जहाँ हम गए थे। देखें किसी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इधर क्या था ऐसा। और ये वो रक्षा है जिस रक्षे में हम गए थे। यही ये वो तस्वीरें आखिरी, जिस दिन वो उसके उसके डेथ से आधे पौने घंटे पहले की तस्वीरें सारी, ये सही था। फिर मैं घर आई ना, फिर मुझे सब, मैं ना अपने आप को ना, मैं मार मुझे ना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। मैंने 2-3 दफ़ा ना मैंने सुसाइड की भी कोशिश की ना। मेरी अम्मी फिर कह रही, मैंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मेरी अम्मी कह रही, बेटा तेरी तो 9 साल की बच्ची थी, जो जली गई तो तेरा ये हाल है। तू तो मेरी इतनी पली पलाई बच्ची है, मैं क्या करूँगी। सब मुझे बहुत समझाते थे, मैं डिप्रेशन में चली गई थी काफ़ी टाइम तक। मैं फिर अपने आप को कोसती थी। फिर मैं ना कुफर के बोली बोलने लग गई थी। मैं कहती थी, मैं जिन बच्चों को देखती थी ना, मैं कहती थी अल्लाह देख इनके 4-4 बच्चे, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, मेरी एक बच्ची थी और आपने वो भी ले ली और इस तरीके से ले ली। कि जिन ऐसी मौतों पे सबर नहीं आता कि ना वो वर्ड्स होता है काश, कि काश हम जाते नहीं वहाँ पे, ना ऐसा होता। मतलब इंसान अपने आप को ही ब्लेम करता है, अल्लाह में अपने पर तो कुछ लेते नहीं है, तो अपने आप पर इंसान ब्लेम करता है कि हम नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। बस मैं ये कहती थी काश मैं जाती नहीं तो ऐसा होता नहीं। लेकिन सब मुझे बोलते हैं कि उसकी मौत थी, वो वहाँ खींच के उसको लेके गई। आप कहीं पर भी हो, जब आपकी मौत आनी होती है तो आप वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। बस यही था कि मैं ये चीज़ को जब भी याद, मैं आज भी जब नहाती हूँ ना तो मुझे आंसू निकलते हैं, पता नहीं क्यों। बस मैं अगर कोई वीडियो देखे मेरी तो मैं उनसे ये कहूँगी, कभी अपने बच्चों को कहीं भी लेकर, पानी की जगह पे बिल्कुल लेके मत जाए। ज़्यादा शौक है आप स्विमिंग पूल वगैरह में ले जाएँ, वहाँ पे आपको पता है कि आप खुद आराम से निकाल सकते हैं, स्विमिंग पूल इतने गहरे नहीं होते। लेकिन पानी वानी से आप दूर रखें अपने बच्चों को। बस मेरा तो, और सॉरी आप लोगों से, मैंने आप लोगों को भी भुला दिया होगा। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें वो उसने पहनी हुई थी और उसने क्या खरीदा था। रमज़ान थे, उसने कहा था मम्मा आंटी के यहाँ रोज़ा खुलेगा ना ये शूज़ पहन के जाऊँगी मैं। मैंने कहा ठीक है, ये शूज़ मैं आपके रख देती हूँ घर में ही, ये शूज़ आप आके पहनना। वो उसके फेवरेट शूज़ से बहुत लड़के उसने मुझसे लिए थे। मैं आपको दूसरी चीज़ में सारी तस्वीरें और सारी उसकी चीज़ें दिखाऊँगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करूँगी, क्योंकि आप मेरे से बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही।